अब जा, जाके भैला को बोलो कि दुल्हन आ रही है। झूठ क्यों कहा? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, हमारे पास समय नहीं है। मिश्री एक बात मान, पुलिस को फोन कर दे। देखता हूँ रवि बहन क्या हुआ। अरे जल्दी देखना। रवि बहन पुलिस आ गई। अरु भैला का नाम खराब हो जाएगा। मिश्री दी नहीं मिली तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा। पुलिस की मदद लेगी तो शायद दी को ढूंढ दे। अगर पुलिस ने मुझे यहाँ तेरे साथ देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ भाई क्या हो गया इसमें? सब गाड़ी खराब हो गई। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? लगन करके आ रहे हो या लगन करने जा रहे हो? क्यों रे, कहाँ लेके जा रहा है? सब बस यहीं आगे, मेरे पति मुझे लेने आ रहे हैं। गाड़ी खराब हो गई है, वो मेरा गांव की सीमा पर इंतजार कर रहे हैं, पर नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं लग रहा। अपने पति का नंबर दे दो मुझे, फोन करके उनको बुला लूंगा मैं। एक मिनट। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मिश्री, मुखी जी की छोटी बहन। हाँ हाँ मिश्री बहन, केम छो? आपसे एक काम था। हाँ हाँ हुकुम करो बहन। वो दुल्हन चली गई है। चली गई मतलब? भाग गई। अच्छा, एक दुल्हन आपके मंडप से भागकर एक दुल्हन मेरे पास खड़ी है। उसे जल्दी से प्लीज घर पे लेके आइए ना, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। आप फिकर मत करो, मैं अच्छे से पता करके आपको इसी नंबर में फोन करता हूं। नाम क्या है आपका? आपका पति आपको लेने आ रहा है, उसका नंबर क्या है? जीप के पीछे कोई है क्या? धर्मी, धर्मी मैं वहां पे गांव की सीमा पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम हो कि यहां पे? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कौन हो आप? मैं इनका पति हूँ। कितने वर्ष हो गए शादी को? 3 साल हो गए हमारी शादी को। कोई सबूत है आपके पास? हाँ है, एक मिनट। ये देखिए, ये मैं हूँ और ये मेरी पत्नी धर्मिष्ठा। रहने वाले कहाँ के हो? जी मुंबई के। क्या मैं मेरी पत्नी को ले जा सकता हूँ? ले जाओ। चलो धर्मी। एक सेकंड। गाड़ी ठीक हो जाएगी तो तुम भी लेके निकल जाना। ठीक है सर।
मरोड़ दी तोते की गर्दन, तारो लगन टूटी गयो राजे, तू ना समझो इतले तू गयो। जी अच्छा क्या कहा? वो तो कोई और औरत थी अपने पति के साथ, पुलिस वालों ने उसकी तस्वीर भी देखी, उनको बुल ढूंढना जारी रखे। आप दुल्हन को ढूंढना जारी रख रही है? उसे तो हम ढूंढ लेंगे मिश्री बहन, लेकिन सुराग मिलने में सुबह हो सकती है। वो तो बहुत देर हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात है ना आप अपने तक ही रखिए। चौकस मिश्री बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि सुराग मिलते मिलते सुबह हो सकती है। तूने जो कुछ भी कहा वो मैंने सब किया, अब बता है कोई और रास्ता? अब तू मंडप पे बैठ रही है कि मैं सबसे जाके? भैला का लगन अगर ऐसे टूटा ना तो वो दोबारा करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। मान जा। नहीं मिश्री, मैं ये शादी। रहने दे मिश्री बेटा, आज मेरी अच्छी बेटी के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं है। तू जाके बता दे सबको, अरु के पापा और मैं आकर सबसे माफी मांग लेंगे। मिश्री मुखी जी को बुला कर ला। अगर मुझे फैसला लेना ही है तो मैं उन्हें बताकर या उनकी मर्जी जान कर लूंगी। मैं जानती हूँ मुखी जी इस लगन के लिए कभी आने कहेंगे। भैला तुझसे एक बात करनी। पंडित जी चार बार पूछ चुके हैं दुल्हन का हो क्या रहा है?
अकेला मान गया है। जुओ एन वक्त पे रामी बहन अपना फोन बंद करके बैठी हुई है। सुफिना इंद्रो व्रत सर्वाः सुफिना पूका विश्ववेदाः स्वस्तिन सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। લગી છે જમવું છે બધાને હું દેખો હું ટેન્ટ હે ના ઉસકે અંદર ખાના લગા હુઆ જા અને જાકે ભર પેટ ખા લો મને ખબર છે આપ ઇતને ખુશ ક્યો ક્યો મુખી જી કા લગન હો રહા હે ના હા હા જા જા જમી લો હસી કો છુપા લે રામી अभी तो नाटक करना है लगन टूटने का शोक मनाना है। अब तक तो राजे को पता चल चुका होगा कि मंडप में उसके साथ आके बैठने वाली दुल्हन भाग गई है। राजे! आज तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था और ये
आज तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है अने मैं इतनी खुश हूं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने स्वाहा। रामी बिन को अगर पता चल गया कि भैला का लगन अरु से हो रहा है पता नहीं वो क्या कहेगी। जब तक लगन पूरा नहीं हो जाता मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। कहाँ जा रही है? वो वहाँ भैला के कमरे में जाकर सुहाग रख के सजावट देख देख सब कुछ ठीक है कि नहीं। सब कुछ एकदम बराबर होना चाहिए। और हाँ यहाँ दोबारा दिखाई मत देना वरना उमा बहन से कह के तुझे अभी के अभी निकलवा दूंगी। फिर तुझे वापस कोई नहीं रख पाएगा रामी बहन भी नहीं समझी। जो थाई छे मिश्री लगन हो रहा है रामी बेन। किससे? जब तक लगन नहीं हो जाता मैं रामी बेन को दुल्हन के पास नहीं जाने दूंगी। नहीं तो किससे मिश्री? दुल्हन से रामी बेन। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया है मिश्री। तुम रामी बेन क्या छोटा मैं ये लीजिए उमा भाभी ने दिया है आपको अपने हाथों से धर्मिष्ठा को खानदानी बिछिया पहनाना है। याद छे ना तुमने धर्मिष्ठा को? हाँ सवारी दुल्हन धर्मिष्ठा है तो उसे ही पहनाना है ना। मिश्री तूने इन लोगों को बताया नहीं सानवी बहन रामी बहन मेरे साथ ही थी। वो भैला के कमरे की सजावट देख रही थी। भले ये लीजिए भाभी बहन को पता नहीं है कि दुल्हन अरु है कहीं वो कुछ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.